बीच में इस खचरे की क्लिप मेरे सामने आ रही ना, मेरा बड़ा खून फूकता यार। एहसान फरामोश मैंने बहुत देखे, पर बिग बॉस के अंदर एक आदमी है खचरा, मेरा भाई है, जाट भाई है, जाट भाई है। और इस लड़के ने क्या करा भाई, ये ना रजत बाहर भी यही करता, जाट जाट अंदर भी करता, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भाई, फर्क पड़ना चाहिए। इस टाइम बिग बॉस 18 में रजत दलाल और दिग्विजय की फाइट को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इसी के बीच में यूट्यूबर्स के भी अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें राजीव सिसोदिया ने भी एक अपना रिएक्ट दिया है। राजवीर सिसोदिया का कहना है कि दिग्विजय एक एहसान फरामोश है और इसके और साथ ही उन्होंने रजत दलाल को फुल सपोर्ट करने की बात करी है अपनी बिरादरी को लेके। इस पूरी फुल वीडियो क्लिप ये रही। भाइयों को राम राम भाई। वैसे तो मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, पर बीच बीच में इस खचरे की क्लिप मेरे सामने आती है ना, मेरा बड़ा खून फूकता यार। एहसान फरामोश मैंने बहुत देखे, पर बिग बॉस के अंदर एक आदमी है खचरा दिग्विजय, जिसकी ना तो मुझे तो पर्सनली ना शक्ल पसंद ना आवाज पसंद। मेरा कोई रजत से भी देखो इतना लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग जब मैं चीजें देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। जब ये लड़का अंदर गया था तो रजत ने इसका इतना प्यार से स्वागत करा, गले लगाया कि ये जाट है, मेरा भाई है, जाट भाई है, जाट भाई है। और इस लड़के ने क्या करा कि यार मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो एक चीज बता दूं, सारे जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, तुम किसी भी बिरादरी से हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, यादव हो, गुजर हो, कोई भी हो, एक समय पे जब कोई काम नहीं आता ना, उस टाइम पे बिरादरी काम आती है, समाज काम आता है। तो हमेशा समाज की इज्जत करना, जिस भी समाज से हो, पहले तो हम सारे सनातनी है, उसके बाद तुम जिस भी समाज से आते हो, उस समाज की हमेशा रिस्पेक्ट करना, उसका मान सम्मान हमेशा रखना। ये पता मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने दिग्विजय का क्लिप देखा, उसमें कह रहा कि भाई ये ना रजत बाहर भी यही करता, जाट जाट अंदर भी करता, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भाई, फर्क पड़ना चाहिए। दूसरी चीज उसके केस के बारे में डिस्कस कर रहा अंदर, तो भाई केस के लिए ऐसा है, जिस भी इंसान के ऊपर केस लगे होते हैं उसके लिए न्यायपालिका बैठी है, सजा देने के लिए भी, इंसाफ देने के लिए भी। आप और हम कोई नहीं होते किसी के केस के बारे में नेशनल टीवी पर डिस्कस करने वाले, ठीक। और दूसरी चीज, जो तुम इतनी एहसान फरामोशगी दिखा रहे हो, एक आदमी तुम्हें अपना भाई कह रहा है कि छोटा भाई है, उसके बाद भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हो, तुम उसकी पीछे पीठ पीछे बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। और एक क्लिप में तो भाई उसने धक्का ही मार दिया रजत के। अरे साले 50 किलो के आदमी है, देख ले धक्का मार किस में रहा, ठीक है। तो भाई इतनी एहसान फरामोशगी तो भाई मतलब बींग है, ह्यूमन बींग, मुझे दुख हुआ देख के कि यार वह जो क्या चल क्या रहा है, इतना एहसान फरामोश कोई आदमी कैसे हो सकता है। तो भाई देख के मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी भाई सपोर्ट कर रहे हैं, करो रजत को, अभी उसे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अकेला सा पड़ गया अंदर। तो दब जब भी नहीं रहा, अकेला पड़े या दुकेला पड़े, लेकिन और आधे भाई मुझे ये कहते भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आपका तो झगड़ा हुआ था उसके साथ। भाई बात ही है, झगड़ा हुआ था, उसके बाद सॉल्व भी हो गया। उसके बाद जितनी बार मेरी इससे बात हुई, मुलाकात हुई, बहुत प्यार बहुत इज्जत देता है, ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि हमारे एरिया का ना, दिल्ली, NCR, UP, हरियाणा, ये सब हमारे ही है, सब में कुछ ऐसे भाई हैं हमारे जो बीच की कड़ी है। तो ट्रॉफी जाए तो क्यों ना अपने घर में ही आए, अपने एरिया में आए, अपने क्षेत्र में आए, है ना, थोड़ा सा प्राउड फील हो, ठीक है। तो सारे भाई भाई सपोर्ट करो, और यही समय है सपोर्ट करने का। और ऐसे खचरों को भाई जिंदगी में भी ना तो भाई बनाओ ना दोस्त बनाओ, जिनके अंदर इतनी एहसान फरामोशी है, जो मतलब कोई हमारे लिए इतना कर देना भाई, हमें तो मरते टाइम तक जिंदगी भर याद रहेगी, हाँ हम गए थे कहीं, किसी ने हमें गले लगा के अपना ठाकुर भाई बोल के प्यार दिया, सम्मान दिया, तो भाई हम तो मरते दम तक याद रखे, हम ऐसे इंसान है। पता नहीं ऐसे खचरे इंसान कहाँ से आते हैं, जिनको कोई गुण एहसान नहीं है, ठीक है। लव यू। तो गाइज आपकी क्या राय है, क्या राजीव सिसोदिया रजत दलाल को सही सपोर्ट कर रहा है, क्या दिग्विजय का फॉल्ट इतना ज्यादा है कि उसे सभी मिलकर ट्रोल कर रहे हैं?